हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है असेंबलीज में ILDASM ILASM। ILDASM क्या होता है आज हम जानेंगे, ये सीखेंगे। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरमीडिएट लैंग्वेज डिसअसेंबलर, और एक टूल होता है ILASM इंटरमीडिएट लैंग्वेज असेंबलर। फ्रेंड्स, मैंने आपको असेंबली बनाना सिखाया था, असेंबली कैसे बनाते हैं। असेंबली exe है आपकी और dll होती है। ओके, कभी कभी आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि जो exe है, ये जो dll है, काश मैं इसको ओपन करके देख सकता कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या लॉजिक है। कंपनी ने जो exe दी है, dll दी है, उसमें अंदर ऐसा क्या लिखा हुआ है, उसको मैं काश देख पाता। तो अगर आप चाहते हैं उस असेंबली को एक्सट्रैक्ट करना, ओपन करना, आप उसे पढ़ना चाहते हैं, अंदर से देखना चाहते हैं, तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने आपको एक टूल दिया है जिसका नाम होता है इंटरमीडिएट लैंग्वेज डिसअसेंबलर। अगर आप किसी असेंबली को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास टूल होता है ILDASM इंटरमीडिएट लैंग्वेज डिसअसेंबलर। इस टूल की हेल्प से आप किसी भी असेंबली को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसका कोड चेक कर सकते हैं, उस कोड को किसी भी टेक्स्ट फाइल में कॉपी कर सकते हैं। ओके, आप उस जो आपने उस कोड को कॉपी किया टेक्स्ट फाइल में, अगर आप आपके पास वो कोड है टेक्स्ट फाइल में, तो आप उसको फिर से असेंबल कर सकते हैं, फिर से असेंबली उससे बना सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास टूल होता है ILASM इंटरमीडिएट लैंग्वेज असेंबलर। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट पॉइंट है व्हेन एनी .NET एप्लीकेशन कंपाइल इट क्रिएट्स असेंबली। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट को कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल करने पर MSIL बनता है, तो MSIL के साथ साथ हमारी असेंबली भी बनती है। तो अगर आपने कंसोल एप्लीकेशन या विंडोज एप्लीकेशन लिया है, तो exe बनेगी, और आपने अगर वेब एप्लीकेशन या क्लास लाइब्रेरी सेलेक्ट की है, तो आपके dll बनती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है असेंबली कंटेन्स मैनिफेस्ट एंड IL। तो असेंबली के अंदर क्या क्या होता है, मैनिफेस्ट होता है और IL। IL का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। तो असेंबली के अंदर मैनिफेस्ट मीन्स मेटा डेटा, और इंटरमीडिएट लैंग्वेज दोनों होती हैं, जिसको हम असेंबली मैनिफेस्ट बोलते हैं, जिसके अंदर दोनों फाइल होती हैं, दोनों कॉन्सेप्ट मैनिफेस्ट एंड इंटरमीडिएट लैंग्वेज, उनको हम बोलते हैं असेंबली मैनिफेस्ट। तो अगर आप चाहते हैं कि इस असेंबली को ओपन करके देखना चाहते हैं वो कैसी है, तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सम इंफॉर्मेशन इन द असेंबली मैनिफेस्ट कैन बी मॉडिफाइड यूजिंग एट्रीब्यूट्स। तो जैसे मैंने आपको बताया, असेंबली के अंदर क्या होता है, असेंबली मैनिफेस्ट होता है, मेटाडेटा होता है, आप उसको चेंज कर सकते हैं एट्रीब्यूट की हेल्प से। ये एट्रीब्यूट सी शार्प में कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम असेंबली में मेटाडेटा को चेंज कर सकते हैं। आप असेंबली के अंदर का लॉजिक चेंज नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं कि लॉजिक चेंज कर देंगे आप, नहीं, आप जो मेटाडेटा होता है उसको आप चेंज कर सकते हैं। जब मैं आप सी शार्प में एट्रीब्यूट्स की वीडियो को अपलोड करूंगा, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है वी यूज़ ILDASM इंटरमीडिएट लैंग्वेज डिसअसेंबलर टूल टू एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट एंड IL टू ए टेक्स्ट फाइल। अगर आप चाहते हैं कि असेंबली को एक्सट्रैक्ट करना, उसके अंदर का कोड चेक करना, तो उसके लिए आप टूल यूज़ करेंगे ILDASM मीन्स इंटरमीडिएट लैंग्वेज डिसअसेंबलर। नेक्स्ट पॉइंट है वी यूज़ ILASM.exe टू रिकंस्ट्रक्ट एन असेंबली फ्रॉम ए टेक्स्ट फाइल दैट कंटेन्स मैनिफेस्ट एंड IL। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी असेंबली को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, तो उस को चेक करने के बाद उस कोड को, असेंबली के अंदर जो कोड है, उसको आप टेक्स्ट फाइल में कॉपी कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं अपने सिस्टम में। इन फ्यूचर अगर आप चाहते हैं कि उस टेक्स्ट फाइल से फिर से असेंबली क्रिएट की जाए, तो उसको आप क्रिएट कर सकते हैं ILASM.exe टूल से। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए अब प्रैक्टिकल करते हैं, हाउ टू डिसअसेंबल एन असेंबली। अब मैंने आपसे कहा कि अब हम प्रैक्टिकल करेंगे, अब मैं असेंबली को ओपन करना चाहता हूँ कि वो अंदर से कैसे है। तो उसके लिए स्टेप्स हैं हमारे पास कुछ, जो मैंने आपको दिखाए सामने PPT में। स्टेप वन है गो टू विजुअल स्टूडियो डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट एंड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो जब आप विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें विजुअल स्टूडियो डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट इनबिल्ट होता है। ये कमांड प्रॉम्प्ट है जो स्टूडियो का है, ये सिंपल वाला कमांड प्रॉम्प्ट नहीं है, विद स्टूडियो वाला कमांड प्रॉम्प्ट है। इसको हम स्टार्ट करेंगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। सेकंड स्टेप, फिर लिखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे, नाउ राइट ऑन कमांड प्रॉम्प्ट ILDASM.exe विद असेंबली पाथ, लाइक ILDASM.exe के साथ में हम उस असेंबली का
पूरा पाथ लिखेंगे वो कहाँ पे स्टोर है सिस्टम में, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने पर हमारे सामने एक विंडो आएगी, उस विंडो में हमें पूरा का पूरा असेंबली का डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा कि उसके अंदर क्या है। ओके फ्रेंड्स, चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने एक कंसोल प्रोजेक्ट लिया है, कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट की है और उसका नाम दिया ऑनलाइन डेमो। उसके अंदर एक क्लास है प्रोग्राम। तो हमारा टॉपिक है आज का, व्हाट इज इंटरमीडिएट लैंग्वेज डिसअसेंबलर ILDASM एंड इंटरमीडिएट लैंग्वेज असेंबलर ILASM इन .NET। ठीक है, उसमें मेन फंक्शन है स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। ओके फ्रेंड्स, अब मैं इसमें कुछ लॉजिक लिखता हूँ। सपोज कीजिए एंड फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 10 एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 30 एंड एक रिजल्ट लेते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर। इसको प्रिंट कराएंगे कंसोल डॉट राइट लाइन रिजल्ट इज रिजल्ट। ओके, कंसोल डॉट रीड लाइन। तो फ्रेंड्स, मैंने दो वेरिएबल लिए, इंट फर्स्ट नंबर इंट सेकंड नंबर, उसमें वैल्यू असाइन की है। रिजल्ट इंट रिजल्ट इज इक्वल टू दोनों का सम किया है। सम करने के बाद कंसोल डॉट राइट लाइन पे मैंने मैसेज रिजल्ट को प्रिंट कराया। अब इसको सेव करता हूँ, मैं चेक करते हैं कि असेंबली बनी है नहीं बनी है। अभी तक मैंने इस प्रोजेक्ट को कंपाइल नहीं किया है। तो कैसे चेक करते हैं असेंबली, वही तरीका, राइट क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट पे, ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर, बिन फोल्डर में जाएंगे, डीबग में जाएंगे, अभी खाली है फोल्डर, अभी अब तक हमने प्रोजेक्ट को कंपाइल नहीं किया है। तो पहले हम प्रोजेक्ट को कंपाइल करेंगे, तो कंपाइल में सब बिल्ड करेंगे, तो मेन्यू में जाके बिल्ड में जाएंगे, बिल्ड सॉल्यूशन, प्रोजेक्ट कंपाइल होना शुरू हो जाएगा। बिल्ड वन सक्सीड सक्सीड हो गया है। अब चेक करेंगे जाके हमारी एप्लीकेशन exe तैयार है, ये कंसोल एप्लीकेशन, तो इसमें क्या बना है exe, ऑनलाइन डेमो डॉट exe। ओके फ्रेंड्स, हमारी exe तैयार है, असेंबली हमारी बनके तैयार हो गई है। इसको रन करते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट चेक करते हैं क्या है। आउटपुट आपके सामने है, रिजल्ट इज इक्वल टू 50। ओके, चलिए इस तरह से फ्रेंड्स हमारी असेंबली तैयार है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है असेंबली को एक्सट्रैक्ट करना, चेक करना कि उसके अंदर क्या क्या है। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अब हम असेंबली को डिसअसेंबल करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, जैसे आपके सामने लिखा है हाउ टू डिसअसेंबल एन असेंबली। तो फर्स्ट स्टेप है गो टू विजुअल स्टूडियो डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आप किसी असेंबली को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, डिसअसेंबल करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपका जो सिस्टम है वो एडमिन राइट्स पे होना चाहिए। आपके सिस्टम को एडमिन राइट्स होने चाहिए, क्योंकि देखो आपके सामने लिखा हुआ है गो टू, स्टेप वन है गो टू विजुअल स्टूडियो डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो के साथ ही आता है डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट, जिसको हम जिसकी हेल्प से हम असेंबली को डिसअसेंबल करते हैं। ओके, स्टेप टू में है नाउ राइट ऑन कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट पे हम लिखेंगे ILDASM.exe, ये टूल है आपका ILDASM.exe, और उसके साथ में हम लिखते हैं असेंबली का पाथ, वो असेंबली कहाँ पे है, और ये लिखने के बाद हम एंटर प्रेस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे और विजुअल स्टूडियो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। तो इसके लिए आप जाइए जहाँ पे आपका विजुअल स्टूडियो है, वहाँ पे चेक करेंगे। फ्रेंड्स, विजुअल स्टूडियो 2017 मेरी मशीन में इंस्टॉल है, इस पर क्लिक किया मैंने, यहाँ पे दिख रहा है डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट फॉर विजुअल स्टूडियो 2017। ओके, इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके मोर पे जाएंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इसको ओपन करेंगे।
फ्रेंड्स ये ओपन हो रहा है, देखिए फ्रेंड्स ये आ गया आपका डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। ये सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट नहीं है, ये विजुअल स्टूडियो का डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट है, इसको हम यूज़ करेंगे। अब इसके लिए स्टेप्स क्या हैं, स्टेप्स है ILDASM.exe ऑप्शन है, चाहे आप लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ILDASM लिखना पड़ेगा। असेंबली का पाथ आएगा, अब चेक करते हैं हमारी असेंबली कहाँ पे है। असेंबली का नाम है ऑनलाइन डेमो डॉट ई एक्सी, इसका पाथ कॉपी करेंगे, ये कहाँ पे है, इसको कॉपी किया मैंने। कॉपी करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, पेस्ट करेंगे, अब असेंबली का नेम लिखेंगे, असेंबली का नेम असेंबली का नेम है ऑनलाइन डेमो डॉट ई एक्सी, इसको बंद करेंगे। मैंने लिखा ILDASM.exe और असेंबली का कंप्लीट पाथ वो कहाँ पे स्टोरेज सिस्टम में, ठीक है, और असेंबली का नेम एंटर करेंगे। एंटर करने पर फ्रेंड्स मेरे सामने एक विंडो ओपन हो गई है, इस विंडो से हम चेक कर सकते हैं कि असेंबली के अंदर क्या है। तो देखो फ्रेंड्स कंप्लीट फर्स्ट लाइन में कंप्लीट पाथ है, सेकेंड लाइन में मैनिफेस्ट है, थर्ड लाइन में प्रोजेक्ट का नेम आ रहा है, प्रोजेक्ट का नेम है ऑनलाइन डेमो, उसके अंदर क्लास प्रोग्राम है, क्लास का नेम क्या है प्रोग्राम, उसके अंदर ये क्लास, एक क्लास है ये, उसके अंदर है CTOR डॉट CTOR स्टैंड फॉर कंस्ट्रक्टर, CTOR का मतलब क्या कंस्ट्रक्टर। तो मैं आप जानते हैं अच्छे से कि आप चाहे कंस्ट्रक्टर बनाए ना बनाए कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है डॉट CTOR void, नेक्स्ट है मेन मेथड void string और इसमें वैल्यू पास हो रही है स्ट्रिंग टाइप की। ओके फ्रेंड्स तो नीचे देखिए फ्रेंड्स आप नीचे आ रहा है असेंबली, नीचे असेंबली का नेम है ऑनलाइन डेमो और उसका वर्जन आ रहा है वर्जन 1.0.0, आपके सामने वर्जन भी आ रहा है। तो ये हमने असेंबली को एक्सट्रैक्ट किया, अब मैं चेक करना चाहता हूँ इसके अंदर क्या है। तो देखो फ्रेंड्स मैनिफेस्ट दिख रहा है आपको, मैनिफेस्ट पर अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो देखो फ्रेंड्स इसका कोड ओपन हो जाता है। मैंने मैनिफेस्ट पर डबल क्लिक किया, ये मैनिफेस्ट है, इस पर डबल क्लिक किया तो ये कोड ओपन हो गया है, इसका कोड मैनिफेस्ट मतलब मेटाडेटा, ये मेटाडेटा है कंप्लीट मेटाडेटा, ये दिख रहा होगा आपको ऊपर लिखा है मेटाडेटा वर्जन असेंबली एक्सटर्न माइक्रोलिब MSLib असेंबली एक्सटर्न असेंबली, असेंबली का नेम क्या है ऑनलाइन डेमो, ये जितना भी कोड है ये सब क्या है मेटाडेटा है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। ये देखो 01 की फॉर्म में, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या है, सब कन्वर्ट हो गया है हेक्साडेसिमल में, ये देखो फ्रेंड्स ये सब कन्वर्ट हो चुका है। मॉड्यूल नीचे है मॉड्यूल ऑनलाइन डेमो डॉट exe है, आईडी आ रही है इसमें विंडोज CUI जो पढ़ने से समझ में नहीं आ रहा है। ओके फ्रेंड्स इसके बाद है आपका नीचे मेन दिस। अब मैं इस पूरे कोड को टेक्स्ट फाइल में कॉपी करना चाहता हूँ, टेक्स्ट फाइल में मीन्स नोटपैड वाली फाइल में कॉपी करना चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या स्टेप्स है फ्रेंड, ये फाइल दिख रहा है आपको फाइल मेन्यू, इस पर क्लिक करेंगे, इसमें आपको मिलेगा डंप, डंप पे क्लिक करेंगे, एक विंडो ओपन हो गई है डंप ऑप्शन में, कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स इसमें, इसमें ओके पे क्लिक करना है सिर्फ ओके। अब ओके पे क्लिक कर दीजिए, ओके पे क्लिक करने पर ये आपसे पूछेगा कहाँ पे सेव करना है, कहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं। तो मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर बनाया है, फोल्डर का नेम मैंने रख दिया मुकेश, फोल्डर का नेम मुकेश हो गया। अब इसमें मैं फाइल का नेम दूंगा, फाइल का नेम कुछ भी दे सकते हैं, तो सपोज मैं फाइल का नेम दे रहा हूँ असेंबली, कुछ भी दे सकते हैं आप फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि असेंबली देना, कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी आप दे सकते हैं, असेंबली डॉट IL जरूर लगाएंगे आप, एक्सटेंशन में IL जरूर आएगा, ठीक है। फोल्डर के अंदर जाएंगे और असेंबली डॉट IL को सेव कर देंगे, फाइल का नेम क्या असेंबली, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं असेंबली डॉट IL, अब मैंने इसको सेव किया। ओके फ्रेंड्स अब चेक करते हैं जाके कि सेव हुआ है नहीं हुआ है, अब जाएंगे डेस्कटॉप पे चेक करेंगे, डेस्कटॉप पे मुकेश नाम का फोल्डर है, इसमें जाएंगे ओपन करेंगे इसको, ये देखिए फ्रेंड्स दो फाइल बनी है असेंबली डॉट IL असेंबली डॉट RIS रिसोर्स फाइल, असेंबली डॉट RIS RIS मतलब रिसोर्स फाइल, देखो आप लिखा कंपाइल रिसोर्स स्क्रिप्ट, इसको ओपन करेंगे जो टेक्स्ट फाइल है इसमें पूरा का पूरा हमारा MSIL है, ये देखो फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा कोड
आपको दिखाई देना है, हमने टेक्स्ट फाइल में कॉपी कर लिया है। ये सब मेटा डेटा है जो मैंने आपको दिखाया था पहले, मेटा डेटा। उसके नीचे है क्लास, उसमें क्लास बनी हुई है, क्लास मेंबर डिक्लेरेशन, क्लास प्राइवेट ऑटो अनसी, मेटा प्राइवेट हाइड्स स्टैटिक वॉइड मेन, ये भी लिखा हुआ रहा है, स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS CIL कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज, मैनेज्ड कोड है क्योंकि डॉट नेट फ्रेमवर्क यूज़ करके किया है, एंट्री पॉइंट है हमारा, मेन फंक्शन क्या है एंट्री पॉइंट, देखो लिखा हुआ रहा है, मैक्सिमम स्टैक साइज 3 है, IL लिखा है स्टार्टिंग में, IL मीन्स इंटरमीडिएट लैंग्वेज, इंटरमीडिएट लैंग्वेज सब क्या है, MSIL है आपका सब कुछ, कैलकुलेशन यूटिलिटी डॉट CTOR आपको दिख रहा होगा, कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर है, एक मेथड है आपका एडिशन सब्सट्रैक्शन, दो पैरामीटर पास हो रहे हैं इन 32 जो कॉल होना है, CEL लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, कैलकुलेशन यूटिलिटी सब्सट्रैक्शन, नेक्स्ट मेथड है सब्सट्रैक्शन, उसमें दो पैरामीटर पास हो रहे हैं इंटीजर टाइप के, प्रिंट हो रहा है एडिशन इज रिजल्ट, रिजल्ट आ रहा है आपका, कंकेटिनेट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सबसेक्शन इज नेक्स्ट आपका जो प्रिंट हो रहा है, सबसेक्शन प्रिंट हो रहा है, सबसेक्शन का एडिशन का रिजल्ट, सबसेक्शन का रिजल्ट। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये सब IL स्टार्टिंग में IL लिखा है, ये सब क्या, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज MSIL है। तो ऊपर जो है ये सब है मेटा डेटा मैनिफेस्ट, यहाँ से यहाँ तक ये सब क्या है, मेटा डेटा आपका मैनिफेस्ट है, और नीचे क्या है, नीचे है आपका MSIL जो आपने लॉजिक लिखा, क्लास बनाई है, मेथड बनाए हैं, आपने एक असम्बली भी ऐड की है उसमें, ये सब कोड उसी का है, ये सब MSIL है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने अपने असम्बली को एक्सट्रैक्ट किया है और उसको नोटपैड फाइल में कॉपी कर लिया है। ओके फ्रेंड्स, अब मैंने इसको सेव कर रखा है MSIL.IL नाम से। अब आपने सोचा कि क्यों ना मैं इस नोटपैड वाली फाइल से फिर से EXE बनाई जाए। अगर आप चाहते हैं कि ये जो नोटपैड वाली फाइल है इससे फिर से EXE बनाया जाए, फिर से असेंबली बनाया जाए, तो फ्रेंड्स पॉसिबल है। उसके लिए हमारे पास टूल होता है ILASM.EXE, ILASM.EXE, तो हम यूज़ करेंगे ILASM.EXE। तो देखो फ्रेंड्स, अगर मैं फिर से नोटपैड वाली फाइल से फिर से असेंबली बनाना चाहता हूँ, हमारी असेंबली कौन सी बनेगी EXE, तो पॉसिबल है, तो फिर से बनाएंगे IL, क्या करेंगे इसके लिए स्टेप्स क्या फ्रेंड्स, ILASM.EXE कंप्लीट पाथ, वो कहाँ पे रखी है नोटपैड वाली फाइल, कहाँ पे है नोटपैड वाली फाइल चेक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे, कंप्लीट पाथ को कॉपी करेंगे, ये कंप्लीट पाथ है, इसको कॉपी करेंगे, फाइल का नेम होगा कंट्रोल वी। ओके फ्रेंड्स, अब एंटर करेंगे, इसके फ्रेंड्स क्या होगा, देखो फ्रेंड्स एक मैसेज आया है, मैसेज है ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, आपके सामने मैसेज है ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो फ्रेंड्स आपकी असेंबली वही बनेगी जहां पे नोटपैड फाइल लिखी है, ठीक है, चेक कर लेते हैं जाके, एक बार जाके चेक कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, मेरी असेंबली नोटपैड वाली फाइल ये रही और उसी के ऊपर असेंबली डॉट exe बन गई है। तो पहले हमने exe को नोटपैड फाइल, exe के MSIL को कॉपी किया नोटपैड फाइल में, फिर नोटपैड फाइल से फिर से हमने असेंबली क्रिएट कर दी। तो देखते हैं इसको रन करके कैसे चलेगी, एक्सेप्शन आ गई फ्रेंड्स। क्यों आई एक्सेप्शन, एक्सेप्शन इसलिए आई है क्योंकि ये जो exe है आपकी असेंबली डॉट exe, ये डिपेंडेंट है एक और असेंबली पे जिसका नाम है कैलकुलेशन डॉट dll, तो उसके लिए हमें उसको यहाँ कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो जाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जाएंगे प्रोजेक्ट के ओपन फोल्डर फाइल एक्सप्लोरर, बिन में जाएंगे, डीबग में जाएंगे, कैलकुलेशन डॉट डीएल
इसको फ्रेंड्स कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको वहाँ जाके पेस्ट कर देंगे। क्योंकि हमने पेस्ट, क्योंकि ये जो हमारी असेंबली है असेंबली डॉट ई एक्स सी, ये डिपेंडेंट है कैलकुलेशन डॉट डी एल पे, क्योंकि हमने कैलकुलेशन डॉट डी एल को इस प्रोजेक्ट में यूज़ किया था, तो हमने इसलिए यहाँ पे कैलकुलेशन डॉट डी एल को कॉपी पेस्ट कर दिया। अब देखो फ्रेंड्स, अब इसको रन करते हैं, आउटपुट आपके सामने है, एडिशन इज 30, सबसेक्शन इज 20। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ये जो असेंबली डॉट ई एक्स सी है, ये असेंबली डिपेंडेंट है कैलकुलेशन डॉट डी एल पे। तो जैसे अगर आप किसी क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं और आपने किसी और क्लाइंट का और आपने किसी और असेंबली का रेफरेंस दिया है, जैसे हमने इस प्रोजेक्ट में रेफरेंस दिया है कैलकुलेशन का, तो ये आपको, ये भी क्लाइंट को ये कोड हैंडल, ये वाली डील आपको हैंड ओवर करनी पड़ेगी। मीन्स आप क्लाइंट को कौन कौन सी फाइल देंगे, असेंबली डॉट ई एक्स सी और कैलकुलेशन डॉट डील, तभी ये प्रोजेक्ट चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, जैसे आपके सामने एक्सेप्शन आ गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों फाइल्स कंपल्सरी हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इस तरह से एक असेंबली को एक्सट्रैक्ट किया, चेक किया उसका कोड, उस कोड को हमने नोटपैड वाली फाइल में कॉपी पेस्ट किया और नोटपैड वाली फाइल से फिर से हमने उसको असेंबली में कन्वर्ट कर दिया। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने ILDASM और ILASM टूल का यूज़ करके ये काम किया। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप